नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इंडिया के सबसे फास्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल माई सरकारी न्यूज पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, एक तरफ तो वहाँ पे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है और यहाँ पे दोस्तों इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की 3 T20 वाली सीरीज इंडिया ने जीत ली है। इसके बाद एक वनडे मैच रद्द हो गया था, उसके बाद दोस्तों दो वनडे मैच को भी इंडिया ने ही अपने नाम कर लिया है यहाँ पे दोस्तों। मगर दूसरी तरफ, एक तरफ तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, दूसरी तरफ एक क्रिकेट खिलाड़ी ने आत्महत्या कर ली है। और दोस्तों बहुत ही बुरी खबर यार, इसको सुनकर सभी क्रिकेट जगत शोक में डूब गया है और दोस्तों सभी खिलाड़ी बहुत ही रोने लगे। दोस्तों पूरी खबर क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखते रहिए। अगर आपको भी जानना है पूरा मामला क्या है, उस खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने आत्महत्या की है और दोस्तों क्यों की है, अगर आप भी जानना चाहते हो तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। मगर दोस्तों वीडियो में बनने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर की बटन दिखाई दे रही होगी उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक नोटिफिकेशन बेल आएगा उसे दबा के ऑन नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना है आने वाली सभी वीडियो को देखने के लिए। और दोस्तों आप क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हो तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए गाइस इस वीडियो स्टार्ट करते हैं हम बिना समय गवाए। तो चलिए गाइस अपन लोग बात करने वाले थे कि उस खिलाड़ी का नाम क्या है और उसने आत्महत्या क्यों की है। मगर दोस्तों उससे पहले आपको बता दूं, टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसमें से दो टेस्ट मैच होने वाले हैं। अब दोस्तों देखने में ये मजा आने वाला है कि उन टेस्ट सीरीज को कौन जीतने वाला है, इंडिया या फिर दोस्तों वेस्ट इंडीज। तो चलिए गाइस हम उसी टॉपिक पे लौटते हैं कि यहाँ पर उस खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने आत्महत्या किया क्रिकेट के, उस खिलाड़ी का नाम क्या है। यहाँ पर दोस्तों उस खिलाड़ी का नाम है वीवी चंद्रशेखर। दोस्तों वीवी चंद्रशेखर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उन्होंने आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या कर ली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया कि क्रिकेट बिजनेस में घाटे से तंग होकर, दोस्तों घाटे से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली है। उनकी पत्नी से जब मीडिया की बात हुई तो मीडिया को बताते उनकी पत्नी ने कहा कि शाम को जब वो 6 बजे के बाद चाय पीने के बाद दोस्तों अपने कमरे में गए तो कमरे से लौटकर नहीं आई, तो मैं सुबह जगाने पहुंची तो उसके बाद मैंने कुंडी खटखटाई मगर दोस्तों उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, तो मैंने खिड़की से देखा तो उनका शव ऊपर पंखे पे लटका हुआ था और मेरे पैरों के नीचे से धरती फिसल गई और मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। यहाँ पे दोस्तों वीवी चंद्रशेखर ने भारतीय टीम की तरफ से 7 वनडे मैच खेले हैं और उनका स्ट्राइक रेट हमेशा 100 से ऊपर ही रहता था। उनकी गिनती सलामी बल्लेबाजों में होती थी और बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज माने जाते थे अपने टाइम के। चंद्रशेखर तमिलनाडु प्रीमियर लीग में वीवी कांचीन वीरज टीम के मालिक थे और इसी बीच दोस्तों यहाँ पे इस टीम को लेकर बहुत बड़े झंझट में थे, बहुत ही बड़ी टेंशन में थे, इनको बहुत ज्यादा घाटा हो रहा था, इसी वजह से इनमें आत्महत्या करने की सोची और दोस्तों आत्महत्या कर ली। इसी टीम को लेकर वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे और इस तंगी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। दोस्तों आपको एक चीज बताते हैं कि MS धोनी यानी दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को CSK चेन्नई सुपर किंग में लाने का दायित्व तो भी इनको ही जाता है, यही लेके आए थे MS धोनी को चेन्नई सुपर किंग में। अब दोस्तों आप नीचे कमेंट में आज जय श्री राम जरूर लिखना क्योंकि इनको आत्मा की शांति मिल सके। दोस्तों इस वीडियो में इतने था, मिलते आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, देखते रहिए माई सरकारी न्यूज़।